तो आखिर क्या कारण है? क्या कभी पहले कभी एक वेग थे भी या हमेशा से टूटते चले आ रहे हैं? तो हम जब हिसाब लगाने बैठे तो हमने ये पाया, अरे भाई 500 साल पहले तो इस भारत में एक भी सिख नहीं था, एक भी सिख नहीं था, क्योंकि गुरु नानक का जो बर्थ है वो 500 साल पुराना है, और जो उनके बाद में 10 गुरु आए उन्होंने जो सिखिज्म बनाया सबसे लास्ट वालों ने, तो 500 साल पुराना सिखिज्म है। इसका मतलब पूरी दुनिया में सिख नाम ही नहीं था कहीं से, सिख नाम की कोई कम्युनिटी नहीं, कोई मत नहीं, कोई समुदाय नहीं। फिर देखा कि भाई ये जो कबीरदास जी हैं या जो रविदास जी हैं इनका कब से है, तो इनका भक्ति काल से पता चलता है कि ये अभी 700 साल पुराने रहे हैं। 700 साल पहले एक भी भारत में ना कोई रविदास जी था, ना कोई कबीरदास जी था, और ना कोई गुरु घासदास था, ना ही कोई गार्ड के साहब का मालिक था, क्योंकि गार्ड के साहब का तो बाबा साहब के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले ये क्या थे? जब यहाँ गुरु घासीदास ही नहीं, जब यहाँ कबीर साहब ही नहीं, जब यहाँ रविदास ही नहीं, तो रविदास ही कैसे हो गए? तो बोले भाई इसका मतलब ये है कि 700 साल पहले चलते हैं कि वहाँ कौन था, और थोड़ा पीछे जाके चले हम तो पता चला कि इस पूरी पूरी धरती पे, यहाँ भारत के अंदर या पूरी धरती पे 2000 साल पहले कोई 1400 साल पहले कोई मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 1400 साल पुराना है, तो कोई मुसलमान ही नहीं था पूरी दुनिया में, एक भी मुसलमान नहीं। 1400 साल पहले मुसलमान वहाँ उन्होंने ईमान लेके आए, मुसलमान बने और यहाँ 7वीं सदी में यहाँ आए थे, तो इसका मतलब यहाँ कोई मुसलमान भी नहीं था, पूरे भारत में नहीं, दुनिया में नहीं। तो और थोड़ा पीछे चले तो पता चला कि जो जीसस हैं यानी कि ईसा मसीह हैं, उनका जो जन्म है वो अभी क्या चल रहा है, 2024, तो 2024 साल पहले का था, उनके जन्म से चलता है डेट। तो 2024 साल पहले कोई यहाँ ईसाई भी नहीं था, कोई ईसा भी नहीं था। तो और थोड़ा पीछे चले तो पता चला कि ये जो बुद्ध और महावीर हैं इनका जन्म 2600 साल पहले हुआ, यानी 2600 साल पहले कोई जैनी भी नहीं था और कोई बुद्ध भी नहीं था, कोई बुद्धिस्ट नहीं था। और ये जो अंबेडकर राइट हैं ये तो अभी 100 साल की बात है, ये तो सब आप जानते हो, या जो काशीराम वाले हैं जो काशीराम को अपना संत मानते हैं वो तो अभी की बात है, वो सब आप जानते हो। तो बुद्ध और महावीर जैन से पहले हम क्या थे, भारत क्या था? यहाँ उर्दू नहीं क्योंकि मुसलमान नहीं, यहाँ इंग्लिश नहीं क्योंकि ईसाई नहीं, यहाँ संस्कृत नहीं क्योंकि संस्कृत भाषा बाद से आई है, बाद में बनी है, भाषा हमारी पाली रही है। तो आखिर हम लोग थे कौन? इस सवाल का जवाब जब हम ढूंढने निकलेंगे और आप भी जब ढूंढोगे तो आपको एक छोटी सी लाइन मिलेगी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कि ये हमारी जितनी संघर्ष है, जितनी लड़ाई है, वो दो लोगों के बीच में है। एक बोलते हैं ब्राह्मण संस्कृति और एक बोलते हैं श्रमण संस्कृति। इस बात को अगर कोई मने करता हो तो हाथ उठा दे। अगर बाबा साहब की इस बात को कोई मने करता हो कि जो बाबा साहब ने ये बात लिखी है कि दो संस्कृतियों का झगड़ा है, दो लोगों का झगड़ा है, एक श्रमण और एक ब्राह्मण, कोई हाथ नहीं उठा, इसका मतलब बाबा साहब ने जो बात लिखी है सच है, नहीं तो जाके इसको विद्वान बता देंगे, वो भी यही कहते हैं पूरे भारत में। तो ब्राह्मण का तो आपको पता है, ब्राह्मण तो आपको जगह जगह दिखाई देता है, पर आप जितने लोग हो अगर आपसे ये पूछें कि भाई वो श्रमण संस्कृति वाले लोग कहाँ गए, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? ब्राह्मण तो दिखाई देता है पर श्रमण संस्कृति वाले कहाँ गए? जब बाबा साहब ने बात लिखी है और वो बात सच है और वो झूठ नहीं है और दो संस्कृतियाँ हैं और आप खुद भी कहते हो कि ब्राह्मण तो 3% है, तो 97% लोग कहाँ गए? आप खुद कहते हो कि ब्राह्मण 15% ये मिला लो जो उसकी विचारधारा में है, तो 85% लोग कहाँ गए? तो श्रमण शब्द इस्तेमाल नहीं करते हमारे लोग, हमारे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, खटीक पासी धासु धानुक चमार चूड़ा चुट्टा पुट्टा, पता नहीं 6700 नाम है, मुझे तो याद नहीं रहते, पर मुझे एक नाम याद रहता है श्रमण। कोई मुझसे पूछता है कि आप कौन हो, तो मैं कहता हूँ भाई तू कौन है, तो वो कहता है जी हम तो ब्राह्मण हैं, तो हम कहते हैं हम श्रमण हैं। कह रहा जी आपकी जात क्या है, तो मैं पूछता भाई तेरी जात क्या है तू बता दे, तो कह रहे हमारे इतने तो जात नहीं होती, ये बात सच है ब्राह्मण में जात नहीं होती, तो हम कहते हैं हम तेरे बाप हैं, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं होता, बस यही शब्द है श्रमण।
और हम इसलिए बाप हैं क्योंकि नाम हमने तेरा दिया है। तो कह रहे तुमने नाम कैसे दिया है? कह रहे नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो नाम था पुराना वो था समण, पाली में, जिसको संस्कृत करके श्रमण बोलते हैं। और समण का मतलब होता है समता में रमण करने वाले लोग, जो कि भारत में सारे थे। और वम का मतलब होता है विपरीत लोग, समता के विपरीत वम। तो तुम लोग जब बाहर से आए गोरे गोरे सफ़ेद रंग के, जिनको हमने अवर्ण कहा, अवर्ण मतलब जिनका रंग नहीं था, तो नाम हमने दिया, हमने कहा कि तुम वम लोग हो, तुम्हारी भाषा उल्टी, तुम्हारा क्रियाकलाप उल्टा, तुम्हारी संस्कृति जीरो, तुम्हारे पास कोई कल्चर नहीं, कोई संस्कृति नहीं, तुम्हारा रंग सफ़ेद, तुम्हारी हाइट पतली नाक के छोटे से ऊपर से आए पहाड़ों से, तुम्हारे बाल हमारे उल्टे, हमारे काले तुम्हारे अलग तरह के, तुम्हारा रीति रिवाज उल्टा, हमारा कल्चर समता पे आधारित, तुम्हारा कल्चर जो तुम लेके आए साथ में वो कैसा, लड़ाई पे आधारित। तो हम पाली में वम बोलते थे, वम माने उल्टी, वमती, ये कहते वम आ रही है, ओ कहते वम आ गई, वम इसको वम आ रही है, यानी उलट उल्टी। तो हमने नाम दिया वमता में रमण करने वाले उल्टे लोग, उल्टे तरह की कल्चर वाले लोग, उल्टे तरह की सभ्यता वाले लोग। तो बाप कौन हुआ जो नाम रखता है? तो नाम किसने रखा? जोर से बोलो, नाम किसने रखा? किसने रखा? तो हम कौन है? और जब बाप अपना पता भूल जाए और अपना नाम भूल जाए तो क्या बन जाता है? नौकर। देश चला गया, कल्चर चली गई, भाषा चली गई, महापुरुष चले गए, जमीन चली गई, खेत चले गए, जानकारी चली गई, राजा की जो पदवी थी वो चली गई, सेनापति की पदवी थी वो चली गई, ये विश्वगुरु की पदवी बची हुई है जो बुद्ध के नाम है, ये भी खिसकने वाली है। तो बहुत सारे वमण जो इसको लेने की कोशिश में रहते हैं पर वो कर नहीं पाते क्योंकि बुद्ध ने कभी अपने आप को वमण नहीं कहा, हमेशा महासमण कहा। ये थोड़ी मुश्किल होती है कि बुद्ध को महावमण कैसे कहें, वो तो महासमण हैं। इसलिए ये ओरिजिनल भाषा का नाम है। अगर आपको ये पुरानी भाषा में समझ में आता है समण, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आता तो श्रमण तो समझ में आता ही है।